बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बेसलाइन स्ट्रगल की तरफ से खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मीज़ान बैंक का चेक कैश करवाने के लिए मीज़ान बैंक के चेक को किस तरह फिल किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि मीज़ान बैंक के चेक को किस तरह फिल किया जाता है। चेक के ऊपर बाएं तरफ मीज़ान बैंक का लोगो बना हुआ है और साथ मीज़ान बैंक का नाम भी दर्ज है। इसके नीचे उस ब्रांच का कोड लिखा हुआ है जिसमें ये अकाउंट खोला गया है और साथ ही उस ब्रांच का जिस ब्रांच में ये अकाउंट है। उसी के साथ आगे बाएं तरफ ऊपर की तरफ देखें तो डेट है। डेट के सामने मुख्तलिफ बॉक्सेस बने हुए हैं जिसमें दो बॉक्सेस डेट के हैं, दो बॉक्सेस मंथ के हैं, इसी तरह चार बॉक्सेस ईयर के लिए हैं। हमने इन सारे बॉक्सेस को फिल इस तरह करना है कि अगर डेट है यकम से लेकर 9 तक तो हम यहाँ पर लिखेंगे 01, 02, 03। ऐसे ही अगर वो डेट 10 होगी तो फिर हम 1 और 0 एक बॉक्स में एक हिस्सा लिखेंगे और ऐसे ही अगर जो भी डेट होगी तो हमने इस तरह यहाँ पर दर्ज कर देनी है। उसी के साथ आगे दो बॉक्स बने हुए मंथ के लिए, तो मंथ का भी हमने ऐसे ही लिखना है कि 1 से लेकर 9 तक अगर कोई मंथ चल रहा है तो हम उसमें लिखेंगे 01, ऐसे ही 02, ऐसे ही ये 09 तक ऐसे ही चलेगा और इसके बाद जब 10 आएगा तो 1 और 0 लिखेंगे, यानी कि एक बॉक्स में एक हिस्सा ही लिखा जाएगा। इसी के साथ ही आगे चार बॉक्सेस ईयर के लिए हैं, जैसा कि ये 2023 है तो हमने यहाँ पर 2023 लिख देना है। इसके नीचे आ जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है पे और इसके सामने एक लाइन है। अगर तो हमने ये चेक कैश करवाना है तो इसके सामने हम कैश लिखेंगे कि ये कैश होने के लिए है और अगर ये हम खुद इसको कैश करवा रहे हैं, यानी अकाउंट होल्डर खुद इसको कैश करवा रहा है, तो फिर हम इसमें लिखते हैं सेल्फ। और इसी लाइन के आगे देखें आर बियरर इस सूरत में है कि अगर हम इस पे लाइन लगा देते हैं तो फिर ये याद रखेंगे ये चेक किसी भी सूरत कैश नहीं होगा बल्कि किसी के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर ये इस पे कोई क्रॉस लगा देता है तो पे के सामने हम सेल्फ या कैश लिखने के बजाय उस अकाउंट का टाइटल लिखेंगे जिसमें हमने ये चेक ट्रांसफर करवाना है। अगर बिरर पर क्रॉस लगा दिया जाता है तो फिर ये चेक कैश नहीं होगा, तो फिर उस वक्त पे के सामने उस अकाउंट का टाइटल हम लिखेंगे जिसमें हमने इस चेक को ट्रांसफर करवाना है। इसी के साथ नीचे लिखा हुआ है रुपीज और उसके सामने लाइन, यहाँ पर हमने वो रकम लिखनी है जो रकम हमने कैश करवानी है इस चेक से। तो यहाँ पर हम उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, या उर्दू को इस्तेमाल कर लें या इंग्लिश। इसके साथ ही एक आगे बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में हमने वो रकम दर्ज करनी है जो हम इस चेक से कैश करवा रहे हैं। आप जितनी भी रकम कैश करवाना चाहते हैं तो आपने वो रकम दर्ज कर देनी है। इस चेक के सबसे नीचे की तरफ लिखा हुआ है सिग्नेचर, जहाँ पर अकाउंट होल्डर अपने सिग्नेचर करेगा। आज हमने देखा कि मीज़ान बैंक के चेक को कैसे फिल करते हैं। इसमें अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में आके आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।